इंद्री हल्के के गांव कलरी जागीर में दो दिन पहले चार युवकों पर हुए हमले में घायल हुए युवकों का सही प्रकार से इलाज नहीं होने से खफा होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण व घायल युवक अपने परिजनों के साथ राज्य मंत्री करणदेव कांबोज से मिलने पहुंचे और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पर इसके बाद ग्रामीणों ने इंद्री के नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहाँ पर ग्रामीणों ने जमकर अस्पताल परिसर में बवाल काटा और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। डॉक्टर व पुलिस ने ग्रामीणों को शांत किया। ग्रामीणों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि दो दिन पहले कुछ हमलावर उनके गांव के युवकों पर चाकू और राड़ों से हमला करके घायल कर गए थे, जो इंद्री स्थित अस्पताल में आए थे। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि घायल युवकों का सही से इलाज नहीं हुआ, चोटों को सही ढंग से नहीं दर्शाया गया। वह इस मामले को लेकर राज्य मंत्री करणदेव कांबोज से मिले। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और एसएमओ को बोल दिया है कि लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इंद्री हल्के के गांव कलरी जागीर के ग्रामीणों ने बताया कि दो दिन पहले कुछ युवक हमारे गांव के युवकों पर चाकू से हमला करके घायल कर गए थे, जिसमें प्रिंस को गहरी चोटें आई थी। वह करनाल के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हालांकि पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जिस समय यह घटना हुई उस समय जिस डॉक्टर ने मेडिकल बनाया वह सही नहीं था और सही प्रकार से इलाज भी नहीं किया गया। पुलिस अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि गांव कलरी जागीर में कई लड़कों ने हथियारों से लैस चार लड़कों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक लड़के की हालत गंभीर होने के कारण करनाल सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों व ग्रामीणों को लगा कि बच्चों की डॉक्टरी व एमएलआर ठीक ढंग से नहीं काटी है। ग्रामीणों को समझा दिया गया है। मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। वहीं पर डॉक्टर दीपक चौधरी का कहना है कि ग्रामीणों को कुछ गलत फहमी हो गई थी, उनको सही से बता दिया है। उनकी चोट के हिसाब से मेडिकल बनाया गया और सही से इलाज भी किया गया है। दस पंद्रह दिन में निकास हुई थी, तो पहले उसके साथ जो करनाल है ना उनका उसके साथ हुई थी, तो उसके दम की देखे बच्चे थे जिस दिन हुए, तो कल आए थे फिर वो उसके साथ परसों रात मारपीट करने छुटवाने के लिए आए। हमारा भी सबको लगे अगर उसको लग सकते हो दो चार उसकी तो मौके। तो कितने लोग थे तुम्हारे पास, कितने पर हम लगे? 9-10 लोगों ने हमला कर रखा था। तुम कितने थे, कितने को? तो क्या हो रहा है, कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस या डॉक्टर? कोई कार्रवाई नहीं आज ना डॉक्टर कोई मेडिकल बना रहे ना कोई, और डॉक्टर ने बिना सुनकर टांग के लाए हैं जी। हाँ जी, क्या मामला है? मामला क्या जी, डॉक्टर ने भी बिना सुनकर टांग के लाए जी, मारा सिंगाड़ा मरवाई जी, मारा मेडिकल आगे करनाल गए जी, वहाँ एडमिट नहीं करे जी, उन्हें पूरा दर्द हो रहा था जी, बाहर ही बैठे रहे ऐसे ही, दर्द में ना कोई गोली दी ना कोई टिक्का लाया, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं बोला, मेडिकल में कुछ नहीं बता रखा। फिर उनकी गलती आ जी, इंद्री वाले डॉक्टरों की, उन्होंने कुछ नहीं भेजा मेडिकल में। तो मंत्री जी से मिले, मंत्री जी से मिले क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी कह रहे कार्रवाई करें, क्या होगा जी। बच्चे माता चौक में बैठे थे जी, बाहर से आदमी आए, इन पांच जगह हमला करे जी, बच्चा एक बच्चे पर हमला करा, तो ये दूसरे छटवाने लगे, तो इनके पास भी हमले की कोशिश करी। गांव राम ना कुछ नहीं पता लगे, सब अपने पंखे होकर बैठे, एक दूसरे ने किसी ना गली मली कड़िया का जंग किया, तो किसी ने देख लिया, फिर सारी गली मल्ला मचाया, इतने नमें छूट छाट कर बाज गए जी, बच्चे हमारे कत्ल कर दिए। हम अस्पतालों में गए ले लेकर जी, फिर कहीं कभी कहीं जावा कभी कहीं जावा, अब कहीं इंद्री जाओ करनाल जाओ, हमारी सिंपल रिपोर्टा बना दीजिए बिल्कुल। करनाल गए लेकर जी 2000 किराए के लगे, उंगे ते आए इंगा गए, उंगे ते उंगा गए जी, हमारा कोई हल नहीं बना, बताओ हम क्या करा जी। तो आज यहाँ मंत्री जी पाए थे आप? हाँ जी। तो क्या आश्वासन दिया ना? मंत्री जी कह रहे इनको आपका हल होगा, देखो जी आगे क्या होगा। क्या नाम है आपका? भागवंतिया जी। गाँव में कल दो दिन पहले ऐसा हुआ कि गांव में हमला हुआ है, बाहर के बंदों ने आके गांव के कुछ लड़कों को चाकू मार दिए, जिसके बाद इन्होंने अस्पताल में लेके गए, अस्पताल में जो कार्रवाई कुछ ऐसी हुई नहीं है, इनके पास जैसे टंके भी लगाए हैं तो टंके भी ऐसे लगा दिए इनको बिना सुन करे, और इनका ना कोई मेडिकल बनाया गया है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद जैसे ही मंत्री से मिला, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई पूरी की जाएगी, अभी जो भी होगा सही ढंग से कार्य किया जाएगा। अभी जो दोस्त पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर परसों रात को ये आए हैं, चार लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से एक काफ़ी सीरियस था,
जिसका नाम प्रिंस था, और उसको फर्स्ट एड देके हमने साथ ही साथ रेफर कर दिया था, एक्सरे एडवाइस कर दिए थे, और बाकी तीन जो थे उनको चोटें कम थी लेकिन सभी शार्प थी, और वो तीन यहाँ पे हमने एडमिट कर लिए थे। तो आज ये लोग कोई इकट्ठे होके क्यों आए थे, क्या कारण था? एमएलआर को लेके इनके मन में कोई शंका थी सर, जिसकी वजह से ये कुछ पूछने आए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई थी। अब उनसे बात करके उन्हें सारा समझा दिया गया है, जो भी रेफर था केस हमने रेफर कर दिया था, एडमिट वालों को एडमिट कर दिया था, फर्स्ट एड सबको दे दी गई थी, और सुबह सबको मेडिसिन देके हमने रेफर यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। हाँ जी, अब सब संतुष्ट हैं, सबको समझा दिया गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। जी सर, ये कलरेज गेयर के लोग मिले थे, कोई हमला हो गया वहाँ पे कुछ लोगों पे? जी कलरेज के कुछ लोग अभी आए थे मेरे पास, और इन्होंने बताया कि परसों रात कुछ लोगों ने इनके ऊपर घर पे जाकर के हमला किया है, चाकू चोकू से उन्होंने वार किया, और उसमें 3-4 लोगों को गहरी चोटें लगी हैं, और उनको जो है ना उसी समय अस्पताल में लेकर के उनका इलाज शुरू करवा दिया, और पुलिस जो है ना उसमें तफ्तीश कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है, जल्दी जो भी दोषी लोग हैं, जो भी इस प्रकार का काम करने वाले लोग हैं, उनको जो है ना ट्रेस करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी धारा उनके ऊपर लगेगी, उस धारा के तहत जन उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कि इस प्रकार की घटनाएं कि किसी के घर पर जाकर के हमला करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और गुंडागर्दी बिल्कुल जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारे हल्के में इस प्रकार की कोई वारदात हो उसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जन मैंने पुलिस को भी और डॉक्टर्स को भी कह दिया कि इस प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना होती है तो तुरंत जो है ना उनको मेडिकल एड दी जाए, उनको सहायता दी जाए, उनको चिकित्सा जो है ना टाइम पर मिले। तो इस प्रकार की जो है ना हमने अभी मैंने डॉक्टर से भी बात की है, पुलिस वालों से भी मैंने कहा है कि रात को गश्त भी बढ़ाएं, और साथ में प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए कुछ चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं इन कुछ दिनों में, जो है चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं, तो उनको रोकने के लिए उनमें जनता का भी सहयोग चाहिए। तो गाँव के अंदर ठिकरी पैरा शुरू हो उसके लिए मैंने कल डीसी महोदय से कहा है कि वो इस प्रकार का जाना, क्योंकि सभी जगह पुलिस नहीं तैनात हो सकती, पुलिस अपनी गश्त करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन साथ में जब गांव के लोग भी ठेकरी पैरा देंगे, और जब ठेकरी पैरा सभी गांव में लगा होगा, तो निश्चित रूप में कोई भी इस प्रकार के अनजान आदमी जो इस प्रकार की वारदातें करते हैं तो उस वारदात को जो है रोका जा सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की। तो डॉक्टरों की लापरवाही है जिसमें कलेज गिर वाले मामले? अभी मैंने SMO को कहा कि पता करें कि जिन्होंने रात को जब ये लोग यहाँ आए थे और उनको रेफर भी ठीक प्रकार से नहीं किया, उनका उनको जो फर्स्ट एड मिलनी चाहिए थी वो भी ठीक प्रकार से नहीं मिली, तो उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। किसी आदमी को उस समय किसी भी प्रकार की मेडिकल एड की जरूरत होती है, और उसको अगर समय पर ना मिले तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति की जो है ना जान जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसके लिए मैंने अभी डॉक्टर जो हमारे यहाँ SMO है उनको मैंने फोन करके कहा कि इसका पता करके बताएं, और ऐसे डॉक्टर के खिलाफ जो है लिख करके दें, कार्रवाई करेंगे, ताकि जो है आगे आने वाले समय इस प्रकार की घटना ना हो। ये कलरी जगीर में कुछ लड़कों का लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसके संबंध में मुकदमा दर्ज हो रहा है। इनको थोड़ी शंका थी, डॉक्टर साहब ने चोटें नहीं क्लियर करी हैं, तो इनको MLR दिखा दिया जी, उसमें डॉक्टर साहब ने रेफर भी कर रखे हैं, सारी चोट लिख रखी हैं, अब इनकी शंका दूर हो गई है जी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, इनको पता नहीं था, चोट दिखा दी है, शार्प चोट डॉक्टर साहब ने दे रखी है, और एडवाइज एक्सरे भी हैं और रेफर भी कर रखे जी। ये कलरी जगीर में आया था जी, परसों आया था जी, 4 लोग हैं जी, लड़के थे आपस में, रात को मारपीट कर गए थे। हाँ जी, चाकू से कह रहे हैं जी, उस हिसाब से मुकदमा दर्ज कर दिया, शार्प चोट आ रही है जी, कार्रवाई चल रही है। उनके घर गए थे जी, एक दो जगह रेड कर रहे हैं जी, पकड़ लेंगे उनको जल्दी। हाँ जी, नहीं बाहर के हैं जी, गांव के नहीं हैं जी, गांव वाले को रिश्तेदार बता रहे हैं जी। नहीं जी, अभी नहीं।